गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज पंचदश पाठा 15 पाठ अहिंसेव जयति, माने अहिंसा की जय होती है, अहिंसा जय जीतता है, ये पाठ मैं समझाने जा रही हूँ। पुरा कौशल देशे एक भीषण दस्यु अवसत, दस्यु अवसत। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयंकर डाकू रहता था, भीषण भयंकर दुष्ट है ना, डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत, उसका नाम उंगलीमाल था। लोकानाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम, लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कार्य था। असौ यान हन्ति स्म तेषाम उंगली छित्वा ताभि मालाम विरच्य कंठे अधार्यत, जिसको यह मारता था उसकी उंगली काटकर और उससे माला बनाकर गले में धारण करता था। अतः इसलिए तस्य उंगली माल इति नामना ख्याति जाता, इसलिए उसकी उंगली माल नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। उंगली मालस्य दुष्कृत्ये प्रजा अतीव दुखिता आसीत, उंगली माल के दुष्ट कर्मों से, दुष्कर कृत्यों से प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी थी। राजा प्रसेन जीतो अप्यस्य क्रूर कृतेन भृशम कृष्ट कष्टम प्राप्नोत, राजा प्रसन्नचित को भी इसके क्रूर कार्यों से, दुष्टता भरे कार्यों से अत्यधिक कष्ट प्राप्त हुआ। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत सैन्यबलम च प्रेषयत, परम तदपि साफल्यम नालभत, राजा ने उसे पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, सेना का बल भी भेजा, परंतु सफलता नहीं मिली। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसन्नजीत तद विषयम बुद्धाय न वेदयत, न वेदयत। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसन्नजीत ने उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्ध अस्त दानिम बुद्धस्त दानिम उंगली मालस्य समक्ष धर्मप देष्टुम गत, परम स बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम अधावत। बुद्ध वहां आकर उंगली माल के सामने धर्म का उपदेश देने गए, परंतु वह उन्हें देखकर और वह उन्हें क्रूरता से देखा भी और उनको मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध स्वतः स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत, बुद्ध ने अपने तपोबल से ज्ञान प्रकाशित किया। बुद्धस्य करुणा भाव करुणार्थ भावम विलोक्य स चकितो अभूत, तथा बुद्धस्य समक्ष अवनंतो अभवत, बुद्ध की करुणा और दया भाव को देखकर, दया भाव और करुणा को देखकर वह चकित हुआ और तथा बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य करुणायाश्च शिक्षां तस्मै च अददात, बुद्ध ने तब उसे धर्म परोपकार प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया या दिया। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकार नष्ट, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से उंगली माल का अज्ञान नष्ट हो गया। स उंगली नाम मालाम छित्वा खड़गम प्राक्षिपत, उसने उंगलियों की माला तोड़कर फेंक दी। स परपीडम हिंसाम च परितज्य दयाभावम प्राप्नोत, वह हिंसा त्याग कर दया भाव को प्राप्त हुआ। बुद्धस्य स शिष्य अभवत, और वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं हिंसाया अहिंसाया एव विजयो अभवत,
और इस प्रकार हिंसा पर अहिंसा की जीत हुई या हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। इस पाठ से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितने भी दुष्ट क्रूर व्यक्ति हो, यदि उसके साथ हम प्रेम दया करुणा का भाव से पेश आए और उस व्यवहार करें तो उसको भी हम जीत सकते हैं, उसके मन को भी हम जीत सकते हैं और उसको सत्य के राह पर चलाने में, सत्य के राह पर चलने में कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।